मैं प्लेऑफ में पहुंचूं ये हो नहीं सकता, और तुम प्लेऑफ में पहुंचो ये मैं होने नहीं दूंगा। जी मैं नहीं कह रहा हूं, ये कल विराट कोहली ने कहा। स्वागत है आपका स्पोर्ट्स विकी में, मैं हूं गौरव। आईपीएल का बुखार चुनाव के बीच भी सर चढ़कर बोल रहा है, बच्चा हो या बूढ़ा सब कह रहे हैं आईपीएल आईपीएल। आईपीएल में अभी तक कुल 54 मैच हो चुके हैं और प्लेऑफ की जंग अपने चरम पर है। चेन्नई, मुंबई और दिल्ली प्लेऑफ में पहले ही अपनी जगह बना चुके हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी दावेदारी है वो चौथे नंबर के लिए आज होनी है। कल यानी शनिवार को आईपीएल का 54वां मैच हुआ था हैदराबाद और बेंगलोर के बीच। अपने सीजन का आखिरी यानी विदाई मैच खेल रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने हैदराबाद को हराकर कोलकाता के फैंस को खुश कर दिया। हैदराबाद को लगा था कि ये मैच जीत कर हम सीधा प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे, लेकिन विराट कोहली ने जाते जाते उनका ये सपना पूरा नहीं होने दिया। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है प्लेऑफ की जंग और कोलकाता और हैदराबाद में प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना किसकी सबसे ज्यादा है। दिनेश कार्तिक के अगुवाई वाली कोलकाता की बात करें तो कोलकाता के पास बहुत आसान तरीका है कि मुंबई को मात देकर प्लेऑफ में चौथी टीम के रूप में अपनी जगह पक्की करने का, लेकिन उसके लिए ये आसान नहीं होगा क्योंकि मुंबई चाहेगी कि वो ये मुकाबला जीते और टॉप टू में पहुंचकर पहले क्वालिफायर मुकाबले में खेल सके। अब अगर बात करें हैदराबाद की तो हार कर जीतने वाले को बाजीगर नहीं सनराइजर्स हैदराबाद कहते हैं, कैसे आइए बता। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से मिली 4 विकेट की हार से हैदराबाद बाहर नहीं हुई। उसका नेट रन रेट अभी भी अच्छा है, वह 14 मैचों में से 12 अंक के सहारे भी प्लेऑफ में जगह पक्की कर सकती है। उसका नेट रन रेट +0.577 का है। हालांकि हैदराबाद को अन्य मैचों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा। हैदराबाद के पास 12 अंक के साथ आईपीएल प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का शानदार मौका है। वह आईपीएल इतिहास में पहली टीम बन जाएगी जो 12 अंक के साथ प्लेऑफ में पहुंची है। इसके लिए कोलकाता और किंग्स 11 पंजाब का हारना जरूरी है। अगर केकेआर वानखेड़े स्टेडियम पर हारती है तो हैदराबाद का नेट रन रेट के आधार पर प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय है। तो आपने देखा कि प्लेऑफ का मुकाबला कितना दिलचस्प हो चुका है। स्पोर्ट्स की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स विकी।